वंस अगेन वेलकम बैक माय फ्रेंड, मेरा नाम है दरवेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिटनोग्राफी। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली फैट लॉस के बारे में होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं फैट लॉस के रिगार्डिंग। उनको जानना था ये रीज़न क्या है फैट जिससे उनका पुट ऑन होता है, और क्या वो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। सो इसी टॉपिक को देखते हुए मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो पाता है, और कैसे उन मिस्टेक्स को ठीक करना है, उसका क्या सॉल्यूशंस है, वो भी सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, जो नंबर वन रीज़न है फैट लॉस ना होने का वो है आपकी अनहेल्दी डाइट। जी हाँ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गोल्स को अचीव करने में, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, क्योंकि बिना डाइट के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा ले, कितने भी मेडिसिंस ले ले, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपका फैट लॉस या मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर आपकी डाइट एकदम ठीक होनी चाहिए। डाइट में फॉर एग्जाम्पल आपको होल ग्रेन फूड्स लेने चाहिए, लाइक ब्राउन राइस, ओट्स, स्वीट पोटैटोस, किनवा। होता क्या है, जब भी हम इस तरह के होल ग्रेन फ्रूट्स अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होने के कारण वो ग्लूकोज धीरे धीरे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यू नो दैट कार्ब्स इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यही हम बात करें रिफाइंड फूड्स की, लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, समोसे, छोले भटूरे, मोमोज। ये फूड जब हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होता है तो जल्दी जल्दी ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगते हैं, तो बॉडी इसको प्रॉपर इजिली यूटिलाइज नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो नंबर वन रीज़न है आपका अनहेल्दी डाइट। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर टू की, जो कि आप वर्कआउट नहीं करते हैं। गाइस, बिना डाइट के आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कितने भी अच्छे सप्लीमेंट्स ले लो, कितनी भी मेडिसिंस खा लो, अगर आपकी वर्कआउट अच्छी नहीं है तो आपका फैट लॉस कभी नहीं हो पाएगा। जो मिस्टेक नंबर टू है आपका, आप एक्सरसाइज नहीं करते। अपनी एक्सरसाइज में हमेशा कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। कार्डियो के अकॉर्डिंग मैंने कुछ देखा है, काफ़ी लोग कार्डियो 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 का सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, जिससे उनकी कैलोरीज तो बर्न होती है मगर इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। सो मेक श्योर अपनी एक्सरसाइज में कार्डियो के साथ आप वेट ट्रेनिंग ज़रूर इंक्लूड करें। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर थ्री की। मिस्टेक नंबर थ्री में लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो अपना खाना छोड़ देते हैं, लाइक वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, अपना लंच स्किप कर देते हैं, सोचते हैं उनका फैट लॉस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गाइस, ऐसी मिस्टेक कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है। इससे होता क्या है, जब भी अगर आप ऐसा फूड को इनटेक नहीं करते हैं तो बॉडी को लगता है उसको आगे फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा, तो वो फैट को बर्न करने की जगह आपके मसल को बर्न करने लग जाती है, वो आपके मसल को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेने लग जाती है, और फैट को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखती है ताकि फ्यूचर में अगर उसको खाना नहीं मिले तो वो फैट को यूटिलाइज करके आपकी बॉडी को ज़िंदा रख सकती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स करती है। आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स ट्रू। सो इस टाइप की गलती कभी भी ना करें। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर फोर की। मिस्टेक नंबर फोर में लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो अपनी डाइट में कभी भी वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। फैट लॉस के दौरान हमें वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करिए, या ना कि ना ही आपके फैट लॉस में काम करेगी बल्कि आपकी ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करें। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर सिक्स की। मिस्टेक नंबर सिक्स है आपका आलस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मुझसे डाइट प्लान बनवा लेते, अपना एक्सरसाइज प्लान बनवा लेते बट उसको फॉलो नहीं करते, और उसके बाद जब मैं एक महीने बाद या दो महीने बाद उनसे पूछता कोई रिजल्ट मिला तो उनका आंसर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते, कोई एक्शन ही नहीं लेते, बिकॉज वो अपने गोल के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सोचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो। सो मेक श्योर अपना आलस आप दूर करें और एक्शन लें। एक्शन लेने से ही आपका फैट लॉस होगा। वीडियो के एंड में अब मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आपका फैट लॉस दुगनी तेजी से होगा। आप जब भी मॉर्निंग में उठे खाली पेट गर्म पानी ज़रूर पिए, और
हमेशा अपनी डाइट में गर्म पानी आफ्टर मील ज़रूर लें, क्योंकि गर्म पानी से आपका फैट लॉस बहुत सुपर फास्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। सो मेक श्योर अपनी डाइट में गर्म पानी ज़रूर ऐड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।